अगर राजस्थान का सीएम घोषित करती है कांग्रेस, तो मैं कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा दूंगा राजस्थान के अंदर। ये हनुमान बेनीवाल जो कहता है वो करता है। मेरा जलवा अभी भी राजस्थान की जनता ने देखा था। अब मेरे नर्वस जो लोग हैं जहां मैं बोतल का चिन्ह नहीं दे पाया, वो भी कह रहे हैं बोतल का चिन्ह लाओ जल्दी से। हम लोकसभा के अंदर हमारे प्रतिनिधि निश्चित रूप से 10 सीटें मैं जीतूंगा और बाकी जगह कांग्रेस को हरा दूंगा। राहुल गांधी का जो पीएम का सपना है वो धरा रह जाएगा। हनुमान बेनीवाल धो देगा राजस्थान के अंदर। और खूब कोशिश कर ली लोगों ने, फिर भी मैंने इस आंधी तूफान के अंदर भी रोका किया। देखिए सचिन पायलट से हमारा कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि वो भी किसान के बेटे हैं और वो कोई सीएम नहीं रहे राजस्थान के अंदर, इसलिए उनसे नाराजगी का तो प्रश्न नहीं। एक बार अगर वो सीएम बन जाते हैं फिर किसानों के काम नहीं करते तो हमारी नाराजगी हो जाएगी। और मैं तो ये मानता हूं कि किसान पुत्र धरती पुत्र, अगर सचिन पायलट बने चाहे दूसरा कोई बने, अशोक गहलोत को छोड़ के कांग्रेस जिसको भी मुख्यमंत्री बनाती है, सचिन पायलट को बनाती है, तो हम जिन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं अगर वो हमारी बात मानेंगे तो निश्चित रूप से हम इनकी मदद करेंगे। अगर कर्ज हमारे लिए किसान और अंतिम छोर पर बैठा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, हम कोई राजकीय लालच के अंदर नहीं है। अगर हमें ये करना होता तो पहले मंत्री बन जाते 15 साल पहले, गहलोत का 8वां ऊपर था, लेकिन हमने ठुकरा दिया। हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों के। और अशोक गहलोत ने जिस तरह कई निर्दलियों को अपने काबू में किया है, ये मतलब अगर कांग्रेस ने गहलोत को सीएम बनाया तो इससे बड़ी कांग्रेस की भूल नहीं होगी। राहुल गांधी पीएम की कुर्सी से दूर रह जाएंगे देश के अंदर। ये हनुमान बेनीवाल राजस्थान के जवानों के विश्वास पे ये दावा कर रहा है। गहलोत को छोड़ के अगर कांग्रेस पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री तय करती है तो हनुमान बेनीवाल और उसकी जो फौज है राजस्थान के तेजाजी के भक्तों की। हम चाहते हैं तेजाजी का जयकारा राजस्थान के अंदर चले। और वैसे जाट और गुजरों में कोई ज्यादा अंतर मैं समझता नहीं हूँ, और हम तो ये चाहते थे भाई हमारे, अब गहलोत ने रामेश्वर डूडी को वहां से खड़ा करके जवर को लाके और रामेश्वर डूडी को चुनाव हरवाया पर्दे के पीछे से। कई जाट नेताओं की राजनीति राजस्थान के अंदर खत्म कर दी। वो दर्द ये समाज राजस्थान के अंदर भूला नहीं है। कुछ चंद लोगों को ये साथ लेकर ये जो खेल कर रहा है इसको हम समझ गए सारे खेल को। और हम इसका इस बार ये चक्री हुआ है अशोक गहलोत का, ये राजस्थान के अंदर तोड़ देंगे। अगर कांग्रेस अब भी इसको सीएम बनाती गहलोत को, तो कांग्रेस को परिणाम भुगतने होंगे। राहुल गांधी सत्ता से दूर रह जाएंगे। ये राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश तक इसकी आंच जाएगी। हनुमान बेनीवाल अगली हुंकार दिल्ली के अंदर भरेगा सर।